नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का लोकसभा इलेक्शन से पहले ही लगता है सफाया हो जाएगा। हर दिन किसी न किसी प्रदेश से कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के संदेश मिल रहे हैं। अब कमलनाथ और उनके सुपुत्र नकुलनाथ को भी आप देखेंगे कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी का हाथ थामेंगे। दोनों बाप बेटे छोड़ रहे हैं कांग्रेस। सोशल मीडिया प्रोफाइल से हटा नाम और लोगो, अटकलों पर कमलनाथ ने दिया यह रिएक्शन। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में तेज हो रही अटकल के बीच कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में तेज हो रही अटकलों के बीच कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक दो दिन में बड़ा खेला हो सकता है। छिंदवाड़ा सीट से लोकसभा सांसद नकुलनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल से पार्टी कांग्रेस का नाम और लोगो हटा लिया गया है। खबर है कि एक दो दिन में दोनों बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कमलनाथ की प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम गायब। कांग्रेस नेता कमलनाथ की सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम और लोगो गायब हो गया है। राजनीतिक हलकों में यह बात जोर पकड़ रहा है कि पिता पुत्र की जोड़ी एक साथ बीजेपी का दामन थाम सकती है। इस बात की जोर इस कारण भी मिल रहा है कि सोशल मीडिया एक्स की प्रोफाइल फोटो से कांग्रेस का नाम और लोगो दोनों गायब हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी नाम और लोगो हटा दिया गया है। इधर दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की अटकलों के बीच कहा कि अगर कोई बात होगी तो वह मीडिया को जानकारी देंगे। उन्होंने मीडिया से कहा कि आप लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दूंगा। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल वो जब छिंदवाड़ा में थे तो उनके साथ बात हुई थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि कमलनाथ पुराने कांग्रेसी नेता हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिसने अपनी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू की और जब इंदिरा गांधी को जनता पार्टी की सरकार में जेल भेजा गया तो वह नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़े थे। क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति कभी कांग्रेस और गांधी परिवार को छोड़ेगा? हालांकि राजनीतिक खबरों में खबर है कि राज्यसभा सीट न मिलने से कमलनाथ पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पहले अफवाहें उड़ती हैं और फिर कुछ दिन के बाद सच्चाई बाहर आ जाती है। ये वीडियो क्लिप भी देखिए इस खबर की पुष्टि के लिए। वहां से उन्होंने कैसे कांग्रेस हटा दिया है, नितिन ठाकुर ज्यादा अपडेट देंगे इस पर, फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नितिन, ये क्या हो रहा है, कांग्रेस हटा दिया है और ये कमलनाथ दिल्ली क्यों आ रहे हैं?
हाँ विवेक जी, ये पूरा मामला ये है कि जो कमलनाथ है, नकुलनाथ का 5 दिवसीय दौरा था छिंदवाड़ा में 14 फरवरी से 18 फरवरी तक, लेकिन अचानक एक दिन पहले वो दिल्ली जाना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए जो अटकले का बाजार है उसमें नया अध्याय की शुरुआत कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमलनाथ के सुपुत्र है नकुलनाथ, उनका जो ट्विटर हैंडल है और जो फेसबुक पेज है उसपे से जो कांग्रेस का लोगो होता है मोनो होता है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्मा गई है और संभावनाएं भी ये लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये आज जो बीजेपी का बड़ा इवेंट है दिल्ली में, तो इसके बाद संभावना नकुलनाथ भी कहीं ना कहीं बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। जी विवेक, तो फेसबुक और ट्विटर दोनों स्मार्ट सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष, बीजेपी का हालांकि राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जल्द दोनों नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका होगा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए, खास तौर पर मध्य प्रदेश में, और अगर हम प्रभाव पड़ेगा देखिए निश्चित तौर पर। हालांकि देखिए कमल नगर पालिका अध्यक्ष है, महापौर है, जिला अध्यक्ष है, जिला ये टीवी में भी काफी खबरें चल रही हैं कि कमलनाथ और उनके सपुत्र बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं।